पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तुम्हें जी से मिलना है ना? क्यों? मुझे बताओ क्या स्टोरी है तुम्हारी? मैं और मेरी आई उधर फल्टन में एक सिनेमा हॉल चलाते थे, संगम सिनेमा। मेरे बाबा ने बहुत मेहनत से बनाया था, उनका सपना था, लेकिन वो कमीना कॉर्पोरेटर ज्यादा वो हड़पना चाहता था हमसे, अपनी दारू की भट्टी लगाना चाहता था वहाँ पे। मैं और मेरी आई ने मना कर दिया, लेकिन वो मानो नहीं, उसने संगम को आग लगा दी, हमको भी मार डालता वो, इसलिए हम जमीन के पेपर्स लेकर वहाँ से भाग गए। 14 घंटे एक पानी के टैंकर में हमने सफर किया मैडम, पल्टन से लेकर यहाँ मुंबई तक। इधर आए तो पता चला कि हम अयान सर के सेट पर पहुँचे, जुबली टॉकीज। मैंने सोचा उनसे मिलके उनसे हेल्प मांगूंगी, बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाई। उसके बाद से ना घर का ठिकाना रहा है ना खाने का, भटकते रहे, भूखे रहे। मेरी आई ने बोला चल शिवू चल इधर से, हमारे लिए कुछ भी नहीं इधर। मैंने बोला नहीं आई, ये बापा का इशारा है, हमारे यहाँ तक पहुँच गए तो अयान सर से मिलकर ही लौटेंगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ मैं, इतना कुछ सह कर झेल कर यू स्टिल हियर, हार नहीं मानी। आई लाइक योर स्पिरिट, खाओ। तुम्हें जो भी चाहिए वो हेल्प तुम्हें मिल जाएगी। ये हो क्या रहा है नॉनसेंस, मतलब लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। जैसे तुमने एजी को चुना, वैसे मैं तुम्हें एजी के लिए चुनती हूं। मुझे मुझे एजी सर के लिए चूज किया, मतलब तुम जैसी ही कोई चाहिए थी मुझे एजी के लिए, शिवांगी, राइट? वो जैसे संगम सिनेमा हमारे बाबा का सपना है, वैसे आयान मेरा सपना है। ब्रो, मैं मेड्स लेके आता हूँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। He said थोड़ी देर में she'll come back to senses. यहाँ पे कोई होना चाहिए, सो यू भी है। I'll come back. मुझे लव, आर यू ओके? हाउ कुड यू डू दिस? ये सब करने का तुमने सोचा भी कैसे? कुछ हो जाता तुम्हें तो? ये जी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम तार आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो। मैं नहीं चाहती कि तुमको हम दोनों में से किसी एक को चूज करने का स्ट्रेस लेना पड़े। तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ सहा है, मैं तुम्हें सफरिंग नहीं सुकून देना चाहती हूँ। यार दिस इज नॉट द वे, तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मर जाऊंगा मैं। तारा मॉम की जगह अपनी जगह है, तुम्हारी अपनी है, बहुत स्पेशल हो तुम मेरे लिए, और वो कोई नहीं ले सकता। मैं ही रह सकता हूं मैं तुम्हारे बिना। नेवर एवर डू दिस अगेन, ओके? आयान एक सुपरस्टार है, करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन। He's famous, he's rich. इसीलिए अक्सर उसके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मुझे चिंता लगी रहती है आयान की कि कोई उसके दिमाग में, उसके दिल में ऐसी बात फीड ना कर दे जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का नुकसान कर बैठे। ये बात एकदम बरोबर बोली आप। वो घर से निकलने से पहले वो काला टीका होता है ना, वो इधर लगा देने का। मैं चाहती हूँ तुम 24/7 आयान की परछाई बनकर और मेरी नजर बनकर उसके साथ रहो। शिवांगी, आयान ग्रोवर की पर्सनल असिस्टेंट।
तुम्हें अयान ग्रोवर की पर्सनल असिस्टेंट बनना ही होगा। मैं पर्सनल असिस्टेंट एजी सर की? यू गॉट इट। उसके उठने से सोने तक वो क्या करता है, क्या खाता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, हर बात की अपडेट तुम मुझे दोगी। ये का काम ये होता है? हमारे फल्टन के उधर तो इसको चुगलखोरी कहते हैं। एजी सर खंडाला गए हैं, वो भी बोलते टाइम मैं चुगली नहीं कर रही थी। उतने में ही सर ने मुझे फायर करके हकाल दिया था सेट से। अब मैं ऐसे सुबह से लेके शाम तक उनकी चुगली करती रहूंगी तो मैं तो चिपकूंगी। तुम्हें एजी पसंद है? वेल विशर हो ना उसकी। मेरी बात सुनो शिवांगी, तुम्हें अच्छा लगेगा एजी के साथ कुछ बुरा होगा तो? उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, उसके आसपास के लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं और वो बहुत सीधा है, सबकी बातों में आ जाता है। मैं बस उसे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? शिवांगी तुम मुंबई में नहीं हो, तुम्हें जॉब भी तो चाहिए ना, तो मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, जस्ट टेक इट। खाने रहने को काम तो चाहिए, बेस में फिर भी लगवाने आएगा। पैसे कितने? जितने तुम बोलो। हलवा बट रहा है क्या? उधर सेट पे रोज का 1000 मिलता था ना, तो महीने का 35 महीने का। Bargaining is not my style. 50,000 per month. पचास हजार महीने का? कम है क्या? नहीं नहीं, डन 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 डन। गुड, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। और हाँ, एजी से वो अपने संगम के फल्टन की बात मत करना। फल्टन का संगम? हाँ, व्हाटएवर इट इज, सही वक्त आएगा मैं खुद एजी से बात करके तुम्हारी हेल्प करवा दूँगी। तब तक प्लीज ज़िप इट। थैंक यू। नको, सॉरी। जमीन की धूल आसमान के सितारे तक पहुंच ही गई। बाबा सही कहते थे, इफ फॉर फियरलेस, रुकने का नहीं, डरने का नहीं, लाइफ में चलते रहने का। क्या एजी की पर्सनल असिस्टेंट बन गई है मैं? ये, अरे दीदी ये क्या बसूड़ी कर दिया? लैंग्वेज गोल्डी, एंड रिलैक्स। हम सब के होते हुए भी वो ईरा एजी को सेट से चुरा के ले गई। That's an open challenge. दीदी, उस ईरा का मुकाबला ये गांव वाली गंवार क्या करेगी? इसी ने बताया था ना हमें कि जी खंडाला गया, गांव वाली है तो अपना दिमाग कम चलाएगी। और चुपचाप फुल ऑनेस्टी के साथ मुझे एजी के बारे में सब कुछ बताएगी। और उसका वो संगम सिनेमा, वो उसकी कमजोरी है जिसको अपनी ताकत बना के मैं उसका फायदा उठाऊंगी। ये गांव वाली एजी के सामने टिक पाएगी? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।